नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम रसखान जी द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। रसखान जी का संक्षिप्त परिचय हमने पूर्व पाठ में ले लिया था। अब देखिए, इसमें रसखान जी द्वारा रचित दो सवैये आपके समक्ष हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। दोनों सवैयों में कवि ने अपने आराध्य कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग और समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो आइए पढ़ते हैं हम पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। बच्चों, ये सवैये ब्रज भाषा में है, तो हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ एक बार देख लेते हैं। मानुष का तात्पर्य है मनुष्य, और बसो मतलब होता है बसेरा करो। आगे देखिए, पशु मतलब पशु, मझारन का मतलब होता है मध्य में, पाहन का अर्थ है पत्थर, और आगे इसमें धेनु अर्थात गाय, गिरी से तात्पर्य है पर्वत, पुरंदर मतलब इंद्र, खग मतलब पक्षी, कालिंदी यहाँ है, कालिंदी में आ जाएगा कालिंदी यमुना, और इसके बाद है डारन, डारन मतलब डालियाँ। तो देखिए, हर दशा में अपने कृष्ण आराध्य जो उनके हैं, उनका सामीप्य पाने की इच्छा रखते हैं रसखान कवि। और क्या कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लूं, तो मेरी उत्कट इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही अर्थात एक ग्वाला बन करके निवास करूं। दूसरा देखो, दूसरी लाइन में आप, यदि मैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। कि अगर मैं पशु बनूं तो फिर मेरे वश में क्या है, अर्थात पशु के वश में कुछ भी नहीं होता है, वो तो दूसरों के अधीन होता है। तो मेरा वश क्या है, अर्थात पशु योनि में जन्म लेने पे मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं नंद की गायों के मध्य चढ़ने वाला एक पशु अर्थात उनकी गाय ही बनूँ। तीसरी लाइन में देखिए, पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन मतलब पत्थर, और अगर भगवान मुझे पत्थर बना दे, भगवान की इच्छा है ये तो, पत्थर बना दे तो कोई बात नहीं, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। गिरि मतलब पर्वत, जिसको हरि अर्थात कृष्ण ने छत्र के रूप में इंद्र से या इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में उठाया था। अब अंतिम इच्छा देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम की डारन। कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। कहने का तात्पर्य कि मैं हर योनि में, हर जन्म में श्री कृष्ण के और ब्रजभूमि के सामीप्य का उत्कट आकांक्षी हूं, और यही प्रभु से मेरी विनती है, अर्थात मुझे हर हाल में कृष्ण का सामीप्य चाहिए। दूसरा पद देखिए बेटा, या लकुटी अरु कामर या पे, राज तिहुपुर को तजिडारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा ही कहेंगे, कि रसखान अपने आराध्य श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अतिशय अनुराग दर्शा रहे हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं, या लकुटी, लकुटी का मतलब है लकड़ी, लाठी, अरु मतलब और, कामरिया होती है कंबल, तिहुपुर मतलब होता है तीनों लोक, तजी मतलब त्यागना, बिसारो मतलब भुला दूं या छोड़ दूं, तड़ाग होते हैं तालाब, कबो मतलब कब, निहारो देख लूं, कोटिक मतलब करोड़ों, कलधोत होता है सोना, कलधोत सोने का पर्यायवाची है, धाम होते हैं महल, करील होता है एक कंटीला पौधा, जैसे कैर की झाड़ होती है वैसे,
वारो मतलब न्योछावर कर दूं। तो देखिए श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के आकांक्षी रस खान क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लाठी या छड़ और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का जो साम्राज्य है सुख है वह छोड़ने को तैयार हूँ। यदि नंद की गायें, आगे देखिए आठव सिद्धि कि यदि नंद की, ये देखिए लाइन में यहाँ पे, यदि नंद की गाय चराने को मुझे मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और जो नव निधि का सुख है वो भी छोड़ दूँ। इससे भी आगे रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रस खान कभी क्या कह रहे हैं कि जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग तालाब आदि देखने को मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, कोटिक एक अद्धोत के धाम कि जो अगर ये सब मुझे देखने को मिल जाए तो करील के कुंजों में विचरण करने का सौभाग्य या अवसर भी मुझे मिल जाए तो मैं करोड़ों जो सोने के महल है वो उन पर न्योछावर कर दूंगा। कवि रसखान क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपने आराध्य कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह किसी भी अन्य वस्तु से नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से कृष्ण के प्रति रसखान ने अपना अनन्य समर्पण और प्रेम भाव व्यक्त किया है। धन्यवाद।